नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। मैं आपके साथ सीमा नामदेव। पढ़ते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। नालंदा जिला के अंतर्गत आने वाला प्रखंड क्षेत्र है राजगीर। राजगीर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत पथरोल है, जहां से युवा मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में है संजीव रंजन उर्फ पप्पू। संजीव रंजन उर्फ पप्पू ने बताया कि लगातार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बावजूद भी हमारे पंचायत का जो विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया। पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन ने मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित किया कि आप पंचायत का नेतृत्व करें। मैं जनता की अदालत में हूँ। पथरोल और पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों तथा अभिभावक तुल्य मतदाता मालिकों का सहयोग आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर पंचायत का बेहतर विकास होगा। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचेगा। पंचायत में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगी। पथरोल पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन से निवेदन है कि एक बार मुझे भी सेवा का मौका अवश्य दें, पंचायत का बेहतर विकास करूंगा। मुद्दा हमारा यही है कि जो जैसे पथरोल पंचायत के पिछले बार भी मुखिया बहुत सारे बन चुके हैं और यहां से बर्खास्त भी हो चुके हैं मुखिया, तो जो ये रिश्वतखोरी और घूसखोरी चलता है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमारे पंचायत में ना अभी तक बना है किसान भवन है, ना पंचायत भवन है, तो ये सब मुद्दा को लेते हुए हम इसके लिए ज़मीन भी उपलब्ध कराएंगे। हमने तो पंचायत में यहाँ तक बोला है कि आम जमीन बहुत सारे हैं, गर्मजरुआ जमीन है, मालिक जमीन है, तो काहे ना उसको अति कर लिया जाता है। और जो भी रिश्वतखोरी वगैरह चल रहा है आम जनता से कोई भी काम हो, जैसे मान लीजिए एक समाज में कॉलोनी वगैरह देना पड़ता है, उसके लिए 20,000-25,000 रुपया लिया जाता है, ये सब किस चीज़ के लिए पैसा लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।